चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले की। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बांके बिहारी के कॉरिडोर निर्माण का रास्ता साफ करते हुए देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को बड़ी राहत दी है। बिहारी जी कॉरिडोर निर्माण होने के बाद एक साथ 10,000 श्रद्धालु हर दिन अपने आराध्य के दर्शन कर सकेंगे। कॉरिडोर को 5.65 एकड़ क्षेत्र में बनाया जाएगा। बांके बिहारी कॉरिडोर को काशी कॉरिडोर की तर्ज पर तैयार करने की योजना है। देखिए रिपोर्ट। कॉरिडोर बढ़ जाएगा तो हम लोगों के लिए बहुत इजीली दर्शन भी हम कर पाएंगे और जो लोग दूर से आते हैं वो भी आराम से कर पाएंगे। बांके बिहारी के भक्तों के लिए एक अच्छी खबर है, कान्हा की नगरी अब अपने भव्य और दिव्य स्वरूप में लौटने की ओर है। वही ऐश्वर्य, वही वैभव, भोले की नगरी काशी के बाद अब मथुरा के काया पलट की तैयारी है। दरअसल हाईकोर्ट ने बांके बिहारी के कॉरिडोर निर्माण का रास्ता साफ करते हुए देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को बड़ी राहत दी है। बिहारी जी कॉरिडोर निर्माण होने के बाद एक साथ 10,000 लोग आराध्य के दर्शन कर सकेंगे। कॉरिडोर 5.65 एकड़ क्षेत्र में प्रस्तावित है। इसका डिजाइन काशी कॉरिडोर की तर्ज पर तैयार किया गया है। व्यवस्थाएं भी उसी तर्ज पर संचालित होने की बात कही जा रही है। कॉरिडोर बिहारी जी मंदिर के सामने 5.65 एकड़ में प्रस्तावित है, जो जमीन की भौगोलिक स्थिति के चलते दो हिस्सों में होगा। इसे विद्यापीठ और परिक्रमा मार्ग से जोड़ा गया है। प्रस्तावित कॉरिडोर में बिहारी जी के भक्तों की हर एक सुविधा का ध्यान रखा गया है। इसमें एक साथ 10,000 लोगों की मौजूदगी हो सकेगी। इस पर करीब 505 करोड़ रुपए के खर्च का आकलन किया गया है, जिसके लिए करीब 276 से अधिक दुकानों और मकानों का अधिग्रहण किया जाएगा। इसमें 149 आवासीय, 66 व्यावसायिक, 57 दूसरे भवन है। एकदम जश्न होना चाहिए, एकदम उत्साह होना चाहिए। जो हो ये रहा हमारे ब्रजराज उत्सव में, ये उसका भी उत्साह करेंगे हम लोग। काफी लंबे समय से कॉरिडोर का मामला था, लेकिन अब मोदी जी आ रहे हैं तो लगता है कि कुछ ब्रज का विकास। डेफिनेटली ये ब्रज तीर्थ विकास परिषद द्वारा ये काम हो रहा है, ये और ये जो योगी जी की वजह से ये कॉरिडोर का भी ओके हो चुका है। तो इट्स ए वेरी बिग न्यूज फॉर अस, हमें बहुत ही खुशी होती है। और मानते हैं कि बनना चाहिए, हम लोग बहुत सालों से इंतजार कर रहे थे, अभी ये काम हो रहा है। काशी कॉरिडोर के पैटर्न पर प्रस्तावित बांके बिहारी कॉरिडोर की सीढ़ियां चढ़ते ही इसकी खूबसूरती भी बढ़ जाएगी। कदम्ब और करील के पौधे कॉरिडोर में अपनी आभा बिखेरेंगे। कॉरिडोर के साथ ही बांके बिहारी मंदिर के परिक्रमा मार्ग को भी नया स्वरूप दिया जाना है। इसके लिए भी बिहारी जी के आसपास की जमीन भी आपसी सहमति से ली जानी है। 8 सितंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट में बिहारी जी कॉरिडोर को लेकर सुनवाई हुई। इस सुनवाई पर कोर्ट के सामने जिला प्रशासन ने कॉरिडोर का प्रेजेंटेशन दिया। इसमें बताया गया कि अभी बांके बिहारी मंदिर परिसर मदन मोहन मंदिर ट्रस्ट के नाम पर है। प्रस्तावित कॉरिडोर गेट संख्या 1 से लेकर यमुना क्षेत्र की ओर 5.65 एकड़ जमीन आपसी सहमति से लेकर उस पर कॉरिडोर का निर्माण कराएगी। इससे पहले उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने भी इसका प्रेजेंटेशन दिया था। कॉरिडोर को लेकर के आदेश आया है और इस आदेश की हम संत समाज सराहना करते हैं, स्वागत करते हैं, क्योंकि वृंदावन बांके बिहारी जी मंदिर सुप्रसिद्ध विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ आए दिन हादसे होते रहते हैं और इतनी भीड़ लगी रहती है, करोड़ों लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं, जिन जो लोग आस्थावान हैं, बांके बिहारी जी में श्रद्धा और आस्था रखते हैं। कॉरिडोर बनना चाहिए, हमारे ठाकुर का दिव्य भव्य मंदिर बने, अच्छी बात है। ऐसा होगा बांके बिहारी कॉरिडोर। क्षेत्रफल 5.65 एकड़, ऊपरी क्षेत्र 10,600 वर्ग मीटर, प्रतीक्षालय 1800 वर्ग मीटर, गलियारा 800 वर्ग मीटर, परिक्रमा क्षेत्र 900 वर्ग मीटर, खुला क्षेत्र 650 वर्ग मीटर, सामान घर 100 वर्ग मीटर, चिकित्सा सेवा 80 वर्ग मीटर, वीआईपी प्रतीक्षालय 250 वर्ग मीटर, पूजा सामग्री दुकान 800 वर्ग मीटर। ब्रजमंडल के हित में है, वृंदावन और मथुरा वासियों के लिए एक बहुत अच्छी खबर है, मैं इसका स्वागत करता हूं। और इसके लिए हमने अपने कमेटी के कार्यकाल में, हमारी कमेटी ने बहुत कोशिश की, जिसमें हमने मंदिर के प्रांगण का विस्तार भी किया
और इसके अलावा हमने गलियों के और उनके एनक्रोचमेंट के लिए भी प्रशासन के साथ मिलकर कुछ काम किया, लेकिन हमारे कमेटी के कार्यकाल में और आज के वक्त में बहुत अंतर आ चुका है। भक्तों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हुई है और हमारे एक सर्वे के अनुसार स्थिति ये है कि 10-15% भक्तगण ठाकुर जी का बिना दर्शन किए हुए लौटते हैं। श्री बांके बिहारी मंदिर के लिए प्रस्तावित कॉरिडोर बनने के लिए श्रद्धालुओं की राधा रमण मदन मोहन देव तक पहुंच बहुत ही आसान हो जाएगी। ये दोनों ही प्राचीन मंदिर कॉरिडोर में पहुंचे भक्त को साफ नजर आएंगे। उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद की योजना बिहारी जी मंदिर तक आने वाले भक्तों को आसानी से दूसरे प्राचीन मंदिरों तक पहुँचाने की भी है। इसके अलावा प्रस्तावित कॉरिडोर योजना में 4 चांद लगाने के लिए उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद ने यमुना पर सस्पेंशन पुल का भी प्रस्ताव तैयार किया है। यह सस्पेंशन पुल कॉरिडोर के सामने ही यमुना पर बनाया जाएगा। भक्तों की इसी भीड़ को देखते हुए जो सरकार था उसने कॉरिडोर का प्रस्ताव लाया था, क्योंकि पिछले जन्माष्टमी पर जो है हादसा हुआ था और जिसमें श्रद्धालुओं की मौत हुई थी, उसके बाद से सरकार ने जो कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव रखा जिससे कि जो श्रद्धालु हैं उनकी संख्या को नियंत्रित किया जा सके और व्यवस्था। अब कॉरिडोर बनने के साथ ये माना जा रहा है कि जो श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे उनको सुगमता के साथ दर्शन हो सकेंगे, भगवान बांके बिहार के जो है जो श्रद्धालु आएंगे वो उनको अच्छे से निहार सकेंगे और एक दिव्य और भव्य दर्शन भगवान बांके बिहारी कर सकेंगे। मिथुन गौतम, News18 मथुरा। वो शख्स पुलिस वालों से जो कहता है वो हैरान करने वाला है, जिसने पुलिस वालों से कहा मेरी बीवी मुझे मारना चाहती है, उसने मुझे जहर दिया है, एक दूसरे शहर में पति ने पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी और तीसरी तस्वीर भी जख्मी रिश्ते की दास्तां सुना रही है। आखिर क्यों खत्म हो रही है रिश्तों से मिठास, देखिए रिपोर्ट। कोल्ड ड्रिंक में बीवी ने दिया जहर, कहीं शैतान शौहर का कहर। पत्थर से रिश्ते पर किसने किया वार, कलह में रिश्तों का जख्म। सिसकते रिश्ते की कहानी, ये शहर कलह में सिसकते रिश्तों का गवाह है। पहली तस्वीर है ग्वालियर के हजीरा थाना इलाके की। जीतू और पूनम की शादी को 5 साल हुए थे, लेकिन इस रिश्ते ने जीतू के गुस्से के आगे दम तोड़ दिया। जीतू ने पूनम का गला दबाया, उसकी जान लेने पर वो आमादा था। जैसे तैसे पूनम के भाई को जीजा जीतू के जल्लाद बनने की खबर लगी। उसने बहन को इस जल्लाद से छुड़ाया तो, लेकिन अपनी बहन की जान बचा नहीं सका। बेसुध हुई पूनम ने अस्पताल में रात को दम तोड़ दिया। सूचना आई थी कि आपकी बहन की मारपीटी कर रहे हैं, बहुत जल्दी इमरजेंसी में आप यहाँ आ जाओ। मैं जाते वहाँ देखा तो वो उसको बहुत तरीके से मार के बेहोश हो चुकी थी और उसकी गर्दन में साफी का फंदा लगा के वो ताकत से खींच रहा था। जैसे ही मैंने उस पर जाके देखा, मैंने कहा भाई ये क्या कर रहा था, वो और तेज़ खींचने लगा। तब मैंने उसको छुड़ाया उससे, तो मुझ पर हावी हुआ। मोहल्ले वाले से भी पता किया, मैंने कहा तुमने क्यों नहीं छुड़ाया, बहुत देर से मार रहे थे। तो कह रहा वो सबको मार रहा था, सब पे गाली गलौज कर रहा था, इसलिए मोहल्ले वाले कोई आए नहीं। पूनम भदौरिया हैं, उनके साथ उसके पति ने गला घोंट के उनके हत्या का प्रयास किया था, जिस पर से थाना हजीरा पे हत्या के प्रयास का मामला पंजीबद्ध किया गया था। उसके बाद इलाज के लिए आहत को अस्पताल भेजा गया था, जहाँ से रेफर करके अपने 1000 बेड अस्पताल में भेजा गया, जहाँ पे मृतका की रात को आहता की रात को मृत्यु हो गई थी। मृतक पूनम के मायके वाले जीतू पर अवैध संबंध होने का आरोप लगा रहे हैं। कलह में रिश्ते के इस खौफनाक द एंड ने 4 साल और 2 साल के बच्चों को जो दर्द दिया, क्या कभी वो भर पाएगा? मारने का कारण कुछ नहीं है, अवैध संबंध के मामले में जानकारी आई है। ऐसा कुछ अभी समझ में नहीं आया है, अगर साक्षी में कुछ आएगा तो हम उस पर अगली कार्रवाई करेंगे। ग्वालियर के बाद जबलपुर में जख्मी होता एक और रिश्ता। पत्नी काम करने बाहर गई तो उसके चरित्र पर ही पति ने लांछन लगा दिया। शक में अंधे हुए आरोपी पति ने पत्नी पर पत्थर से ऐसा वार किया कि वो जिंदा ही नहीं बची। जबलपुर के सिविल लाइन थाना इलाके का ये मामला है। शारदा ठाकुर ने पत्नी अंगूरी को घर के पास रोका, उस पर धोखा,
फरेब का इल्जाम लगाया और जान ले ली। पूरी अपना काम पोछा झाड़ू का काम कर अपने घर आ रही थी तो छुई खदान में जब वो पहुंची तो वहीं पति से उसका विवाद हो गया। पति चरित्र को लेकर शंका करता था अपनी पत्नी पे, तो विवाद के दौरान उसने पत्थर से अपनी पत्नी को चोट पहुंचाई जिससे उसकी मौके पर ही डेथ हो गई। अब तीसरा जख्म फिर से ग्वालियर का ही है। यहाँ इल्जाम पति पर नहीं बल्कि पति ने पत्नी पर लगाया है। कोल्ड ड्रिंक में जहर देकर मारने का आरोप। मामला बहोड़ापुर थाना इलाके के मोतीझील इलाके का है। इस इलाके में रहने वाला मोहित ड्यूटी से घर आया, पत्नी ने खाना दिया फिर कोल्ड ड्रिंक, जिसे पीकर मोहित उल्टी करने लगा। उसने पत्नी से पूछा, वो चुप रही, लेकिन चूहे मार दवाई का रेफर देखकर मोहित का शक यकीन में बदल गया कि बीवी ने उसे जहर दिया है। लड़के का नाम है मोहित शर्मा और वो गंभीर रूप से उसकी तबीयत खराब हुई थी तो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था। बाद में जांच में पता चला कि इसकी पत्नी है कोमल शर्मा, उसके द्वारा इसको एक जान के मारने के उद्देश्य से जहर खिलाया गया, जिसके ऊपर से थाना बौड़ापुर में एक अपराध 328 धारा के अंतर्गत पंजीकृत किया। सवाल है कि आखिर क्यों खत्म हो रही है रिश्तों से मिठास। ग्वालियर में सुशील कौशिक और जबलपुर में पवन पटेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। एक घर में दफन ऐसा खौफनाक राज, जिस घर में नीचे मकान मालिक रहते हैं और ऊपर किराएदार। उस घर से मकान मालिक को अचानक चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई दी और बाहर जाकर देखा तो उनके होश उड़ गए। सीढ़ियों पर खून से लथपथ पड़ी थी लाश। आखिर ये लाश किसकी थी, सवाल कई। अपने आप में हैरान करने वाला मामला है। इस घर के मकान मालिक को अचानक चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। रात के करीब 8 से 8:30 बजे का वक्त था। मकान मालिक ऋषभ जैसे ही कमरे से बाहर निकले, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। सीढ़ियों पर लाश पड़ी थी। ये लाश 54 साल के नरेंद्र पाल की थी, जो छुरी के प्राइवेट वाहन शोरूम में काम करते थे, कुसमुंडा प्रेस क्लब के पूर्व सदस्य भी। नरेंद्र पाल रोजाना की तरह काम पर गए, लेकिन जब रात में घर नहीं लौटे तो घर वाले परेशान हो गए और फिर हत्या की खबर से सब सन्न रह गए। 8:30-9 बजे की घटना है। हमको खुद घर में खाना उना खा रहे थे, आवाज आया तो बाहर निकल के देखे तो सामने आदमी सीढ़ी में गिरा हुआ पड़ा हुआ। मृतक नरेंद्र पाल सिंह जो 54 वर्ष के हैं, उनका उस मुंडा के रहने वाले हैं। उनका कल रात को एक व्यक्ति जिसका नाम सुमित दास है और साड़ा कॉलोनी का रहने वाला है, उसके द्वारा बेसबॉल के डंडे से संघातिक वार करने से उसकी मृत्यु हो गई, जिसमें दर्री थाने में अपराध क्रमांक 268/23 और IPC की धारा 302 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है और इसमें मामले की विवेचना की जा रही है। कोरबा के दर्री थाना इलाके का ये मामला है। सरदार पटेल नगर के इस मकान में आखिर हुआ क्या था, नरेंद्र पाल किससे मिलने गए थे, बेसबॉल की स्टिक से कई बार वार करके नरेंद्र पाल की बहरहमी से हत्या की गई। आरोपी अमित दास को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जो इस मकान में किराए से ऊपर रह रहा था। अभी तक की स्थिति में मृतक रहने वाला कुसमुंडा का है और आरोपी जो है वो साडा कॉलोनी दर्री का है और घटना स्थल भी साडा कॉलोनी दर्री के आसपास है, तो इसमें कहीं ना कहीं से ऐसा है कि आप एक दूसरे को जानते पहचानते हो, बस उसके इन्वेस्टिगेशन और बाकी उनके परिजन और जो उनके जान पहचान के लोग हैं उनके बयानों के आधार पर स्पष्ट हो पाएगा कि घटना का असली वजह क्या है। आखिर इस कत्ल के पीछे की वजह क्या है, इस इंतकाम के पीछे का सच क्या है, क्या आरोपी अमित कोई ऐसा राज जान गया था जो उसे चुप रहा था, वो राज क्या है, नरेंद्र पाल से अमित की नफरत की वजह क्या थी। कोरबा में अब्दुल असलम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, खबरें आगे भी जारी रहेंगी, आप बने रहिए हमारे साथ।